तो अब बात करेंगे आईपीएल की, जहां करीब 65 दिन तीन अलग अलग कोने में बसे शहर और तीसरी टक्कर। आईपीएल 2024 की दो सबसे बेहतरीन टीमों की कहानी यही रही। 23 मार्च को ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2024 में अपने सफर की शुरुआत की थी। शायद ही किसी ने सोचा भी होगा कि दो महीने बाद सीजन के सबसे आखिरी मैच में फिर इन दोनों की टक्कर होगी और इस बार दांव पर होगा दुनिया की सबसे मशहूर T20 लीग का खिताब। लेकिन क्रिकेट इसीलिए ही तो खास है क्योंकि जो सोचा नहीं जाता अक्सर वो हो जाता है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम यानी कि चेपॉक में आज कोलकाता और हैदराबाद के बीच आईपीएल 2024 का फाइनल खेला जाएगा। कुछ ही समय के बाद मैच शुरू होगा। मुकाबला जरा बढ़कर होगा क्योंकि आज जो भी जीते उससे हाथ में आईपीएल का खिताब होगा। लेकिन वो कौन सी टीम होगी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आंकड़ों से भरी ये रिपोर्ट। प्लेयर या कमेंट, कौन बनेगा प्रिंस, हेड वर्सेस स्टार, आज कौन करेगा राज, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी लड़ाई, आईपीएल फैंस के लिए कयामत की रात आई। हिंदी में इसे जंग कहें या अंग्रेजी में वॉर, क्रिकेट की भाषा में मुकाबला कहें या आखिरी दौर, ये सारे शब्द कम हैं क्रिकेट के पेज पर होने वाले युद्ध के लिए, क्योंकि आज फाइनल फाइट है और इस फाइट में आमने सामने हैं कोलकाता के नाइट राइडर्स और हैदराबाद के सनराइजर्स। केकेआर फैंस कह रहे हैं कि आईपीएल 2024 के विजेता हम हैं, तो उधर नवाबों के शहर में चर्चा है कि हम शान से जीतेंगे। खैर ये तो फैंस की बात है, लेकिन ये जानना अहम है कि दोनों टीमों के आंकड़े किस ओर इशारा कर रहे हैं। आईपीएल में केकेआर और एसआरएच के बीच कुल 27 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से 18 मुकाबले केकेआर ने और 9 मुकाबले हैदराबाद ने जीते। मतलब साफ, केकेआर का पलड़ा भारी है। इस साल आईपीएल में कोलकाता ने हैदराबाद के सामने दम दिखाया है। दोनों टीमों के बीच इस सीजन 2 मुकाबले खेले गए। दोनों मैच में कोलकाता टीम को जीत मिली है। जब लीग स्टेज में केकेआर और एसआरएच आमने सामने हुई तो कोलकाता 4 रन से जीता था। दोनों के बीच दूसरा मुकाबला क्वालिफायर 1 में खेला गया। उस मैच में कोलकाता को 8 विकेट से जीत मिली। भले इस समय हैदराबाद की टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कोलकाता के खिलाफ उनके आंकड़े परेशान करेंगे। इन आंकड़ों की वजह से हैदराबाद प्रेशर में होगी और अगर प्रेशर में टीम बिखरी तो ख्वाब टूट सकते हैं। वैसे तो हैदराबाद के पास इस बार पैट कमिंस जैसे कप्तान हैं, वही पैट कमिंस जिनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया विश्व विजेता बनी। इनके पास चैंपियन बनने का अनुभव है। हालांकि हैदराबाद और कोलकाता पहले भी आईपीएल के फाइनल में पहुंचे हैं और ट्रॉफी उठा चुके हैं। आईपीएल में अपने 12 सीजन में हैदराबाद 2 बार फाइनल मैच में पहुंची है और पहली बार 2016 में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर के नेतृत्व में खिताब जीता था। दूसरी तरफ केकेआर की टीम 16 सीजन में खेल चुकी है, जिनमें 3 बार फाइनल में वो पहुंची है। 2 बार 2012 और 2014 में उसने ट्रॉफी जीती। फाइनल मैच में जहां एक तरफ कोरबो लड़बो जीतबो की सोच रखने वाले केकेआर के खिलाड़ी हैं, तो दूसरी तरफ जिसके पास टीम को विजेता बनाने की काबिलियत है। अब जब जीत की बात हो रही है तो फिर उस फैक्टर को भी देख लेते हैं जिसकी बदौलत दोनों में से कोई एक टीम फाइनल जीत सकती है। आंकड़े ये कहते हैं कि टॉस जीतने वाली टीम ने 62.5% फाइनल जीते, वहीं आधे से ज्यादा फाइनल चेज करने वाली टीम ने जीते। वहीं इस पिच पर अगर 200 से ज्यादा का स्कोर बन गया तो फिर चेज करना आसान नहीं होगा। मतलब इस बात की ये गारंटी बनती है कि 200 से ज्यादा का स्कोर जीत पक्की करा सकता है। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज हैं, ऐसे में आज रन बनेंगे तो चौके छक्के भी लगेंगे। हैदराबाद के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो चल गए तो पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर सकते हैं।
ट्रेविस हेड ने इस सीजन में 14 मैच में 547 रन बनाए हैं, जिनमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। वहीं हेनरिक क्लासेन ने 15 मैच में 463 रन बनाए, इस दौरान चार अर्धशतक भी जुड़े। गेंदबाजों में टी नटराजन ने 13 मैच में 19 विकेट निकाले, उनका बेस्ट 4 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट रहा। वहीं कप्तान कमिंस ने 15 मैच में 17 विकेट लिए, साथ ही वक्त वक्त पर वो बल्ले से रन भी निकालते रहे। कोलकाता के बल्लेबाज भी कम नहीं, सुनील नारायण ने तो डबल काम किया है, मतलब विकेट भी निकाले और रन भी बनाए। नारायण ने 14 मैच में गेंदबाजी कर 16 विकेट झटके तो बल्लेबाजी में भी 482 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 14 मैच में 345 रन बनाए। गेंदबाजी में कोलकाता की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने 14 मैच में 20 विकेट झटके, इनमें 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट भी उनका बेस्ट रहा। इस साल हर्षित राणा शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, हर्षित ने 12 मैच में 17 विकेट झटका चुके हैं, इसमें 4 ओवर में 27 रन देकर उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। मिचेल स्टार्क को कैसे भुलाया जा सकता है, जो बड़े मैच के लड़ैया हैं। स्टार्क ने 13 मैच में 15 विकेट झटके, साथ ही एक मैच में तो 4 ओवर में 33 रन देकर 4 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटा दिया। ये सारे आंकड़े ये कह रहे हैं कि आज तो धमाका होने वाला है, और हम तो यही कहेंगे कि धूम धड़ाका जारी है, आज फाइनल की बारी है। अब उस पिच के बारे में जान लीजिए जहां आज फाइनल खेला जाना है। स्टेडियम चेन्नई का चैपॉक है, जहां पहली पारी में अच्छी बल्लेबाजी होती है, जहां दूसरी पारी में स्पिनर्स का जलवा और पहली पारी में तेज गेंदबाजों का कहर दिखाई देता है। यहां अब तक 89 IPL मैच खेले जा चुके हैं। 49 मैच पहले बैटिंग करने वाले और 35 मैच चेज करने वाली टीमों ने जीते हैं। यहां का हाईएस्ट टीम स्कोर 5 विकेट पर 246 रन रहा है। तो तैयार हो जाइए IPL की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए, क्योंकि आज पैसा वसूल मैच होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। तो धमाके जारी हैं, फाइनल की बारी है, इंतजार कि आखिर फाइनल कौन जीतेगा और किसके हाथ में ट्रॉफी होगी। अमृत आनंद खेल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भी समझने के लिए कि आज का मैच कैसा होगा। वैभव न्यूज रूम से मेरे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमृत आनंद, क्या समझा जाए, आज का खेल कितना दिलचस्प होने वाला है? जी देखिए, कहते हैं ना कि करबो लड़बो जीतवो, यही फॉर्मूला होना चाहिए आज के मैच का। और आज बिल्कुल एक अलग मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि हैदराबाद वर्सेस कोलकाता है। हैदराबाद वो टीम जो कि सरप्राइजिंगली फाइनल में है, कभी मतलब उसका रोल अगर आप देखें तो कभी राइट कभी लेफ्ट ये टीम चलती रही, लेकिन कहूं कि आज वो टीम जीतेगी जो कि मैदान पर नई प्लानिंग के साथ कुछ नया लेकर उतरेगी। अदरवाइज आज मैं कहूँ कि एक सुपर डुपर महामुकाबले के भी सबको है, और मुझे भी है, फैंस को भी है कि जीते कोई भी, लेकिन IPL की जीत होनी चाहिए। एक लगना चाहिए कि हाँ, T20 क्रिकेट का मुकाबला है, फाइनल T20 IPL का है। बिल्कुल, और लगना भी चाहिए कि मुकाबला इतना दिलचस्प हो, तभी लगेगा कि हाँ ये फाइनल है। वैभव, की प्लेयर्स की बात करें तो कितना इसका इफेक्ट मैच पर दिखाई देगा, और कुछ प्लेयर्स के बारे में भी बताइए कि कौन अच्छा है किसके पास। संघर्ष जरूर सफल होगा, हर दिन की मेहनत का फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, और वही देखने को मिल रहा है, चाहे KKR हो चाहे SRH हो। इतना लंबा वक्त हो गया, 7 साल से SRH इंतज़ार कर रहा है, 9 साल से KKR इंतज़ार कर रहा है कि ट्रॉफी घर लेके जाएंगे, तो उसके बाद आज फिलहाल किसी ना किसी के घर तो ट्रॉफी जाएगी, ये बात तो तय है। और की प्लेयर्स की जैसी आप बात करी थी अंशिका, की प्लेयर्स अगर हम KKR की बात करें तो वेंकटेश अय्यर हैं, श्रेयस अय्यर हैं वहाँ पर, और वरुण चक्रवर्ती हैं, सुनील नारायण हैं और मिचेल स्टार्क हैं वहाँ पर। इन लोगों की बहुत अहम भूमिका होगी, क्योंकि देखिए टीम तभी जीतती है जब कम से कम 4 बैट्समैन अच्छा करें और कम से कम 3 गेंदबाज अच्छा करें, और वो पूरे सीजन हमने KKR की तरफ से देखा है जब से गौतम गंभीर उनके साथ जुड़े हैं, तो क्योंकि उनकी बहुत अहम भूमिका रही है एज अ कोच। और अब SRH की अगर बात करें तो SRH में भी आप देखें ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक शर्मा हैं, नितेश रेड्डी हैं, इसके अलावा हेनरी क्लासेन हैं, ये सब ऐसे घातक बल्लेबाज हैं जो अगर चल जाते हैं तो फिर किसी को भी ध्वस्त कर सकते हैं, कोई गेंदबाज इनके सामने खड़ा हो नहीं सकता। और फिर अगर वहीं बात करें कि टॉस के बारे में अगर बात करें तो टॉस पर बहुत ज्यादा नजरें रहेंगी, क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतती है वो अगर दूसरी बल्लेबाजी करने के बारे में सोच रहे हैं तो हल्का सा उनको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ड्यू जो है वो कम आएगी, क्योंकि जो टीम पहले टॉस जीती थी, अगर हम देखें कि 8 मुकाबले इस साल चेपॉक में हुए हैं जिसमें से टॉस जीतने वाली टीम ने 2 बार पहले बल्लेबाजी चुनी और 6 बार
गेंदबाजी, लेकिन 6 बार गेंदबाजी में आप देखेंगे 3 दफ़ा जीते, 3 दफ़ा हारे और 2 दफ़ा जब पहले बल्लेबाजी करी तो 2 दफ़ा हार गए। तो कहीं ना कहीं टॉस से ज़्यादा ड्यू का फ़र्क पड़ेगा। इसी वजह से राजस्थान ने उस दिन टॉस जीता था और टॉस जीतकर गेंदबाजी की थी, लेकिन उसके बाद देखिए ड्यू आई नहीं, ओवरकास्ट कंडीशंस थी और उसकी वजह से विकेट स्लो हुआ और अब्दुल समद को और शहबाज अहमद को विकेटें मिली और हमने देखा कि राजस्थान रॉयल्स जो है वो बाहर हो गया, जबकि वो भी बहुत डिजर्विंग टीम थी। तो कहीं ना कहीं टॉस, ड्यू और पिच का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कौन जीतता है, ये अहम फैक्टर्स होने वाले। अमृत आनंद भी हमारे साथ जुड़े। अमृत जी, जो मुझे याद है कि शायद इन दोनों ही टीमों के बीच 27 मुकाबले हो चुके हैं, 18 तो केकेआर ने ही जीते और 9 के करीब एसआरएच ने जीते हैं, तो क्या ये जीत बरकरार रहेगी केकेआर की लगता है इस बार, या इस बार कड़ी टक्कर मिलने वाली एसआरएच से? वैभव, जिन नाम लिए हैं उनमें से एक नाम वैभव ने मिस किया है, जिसको हम कहते हैं गौतम गंभीर। एक ब्रह्मास्त्र है गौतम गंभीर के नाम का, जो कि ग्राउंड में नहीं होते हैं, प्लेइंग 11 में नहीं होते हैं, लेकिन वो कोच है, लेकिन कोच के तौर पे वो कप्तान के भी काम करते हैं, फील्डिंग का भी काम करते हैं, बॉलिंग का भी काम करते हैं, बल्लेबाजी का भी काम करते हैं। गौतम गंभीर का एक सिंपल मूल मंत्र है, ये वैभव ने भी बताया था हमें कि गौतम गंभीर कभी भी हारने के लिए नहीं जाते हैं क्रीज पे, उनका सीधा मूल मंत्र है खेलो तो जीतने के लिए, और जीत के ही आप किंग बनते हो और बादशाह खान की टीम है ग्राउंड पर। तो मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि आज केकेआर एड़ी चोटी का जोर लगा देगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। वही हैदराबाद है, हैदराबाद भी देखिए अगर आज बल्लेबाजी चली तो फिर हैदराबाद कुछ भी कर सकती है, लेकिन बल्लेबाजी नहीं चली तो मुश्किल में आ सकती है हैदराबाद की टीम। लेकिन देखिए कहते हैं ना कि फाइनल मुकाबला क्या होना चाहिए, हम प्रेडिक्शन छोड़ते हैं, आज एंजॉय करते हैं, हम 40 ओवर देखते हैं कि कौन सी टीम अपना दमखम दिखाती है और किसके नसीब में, किसके किस्मत में ये आईपीएल की ट्रॉफी है। ठीक है वैभव, चपॉक का मिजाज कुछ बताइए कि कैसा होता है, क्योंकि पिच भी डिसाइड करती है बहुत कुछ। पिच डिसाइड करती है, जैसे कि पहले ही पिच की बात कर रहा था कि उस दिन भी राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता, उसके बाद गेंदबाजी चुन ली, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि ड्यू आएगा, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशंस थे, ड्यू उतना आया नहीं और फिर वही चीज़ हुई कि विकेट जो है स्लो होता गया, बड़े शॉट लगाने में दिक्कत हुई और 170 से ऊपर का जो है वो लक्ष्य रख दिया था एसआरएच ने आरआर के सामने, तो वो एक दिक्कत कहीं ना कहीं हुई। और उसके बाद अब्दुल समद और शहबाज अहमद को विकेटें मिली। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए जो केकेआर है ना, उसका जो गेंदबाजी का क्रम है वो ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली अगर आप देखें एसआरएच के, क्योंकि एसआरएच में बहुत ज़्यादा ऐसे टफ स्पिनर्स नहीं है, तो अगर बाद में बल्लेबाजी। ठीक है वैभव, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अमृत जी आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो आज देखना होगा कि आखिर कौन फाइनल्स जीतता है, क्योंकि पूरा जो गेम है वो लोग जो आईपीएल लवर्स होते हैं, मैच लवर्स होते हैं, स्पेशली क्रिकेट जिसे देखना पसंद है, उसके लिए आज का दिन और भी ज़्यादा खास हो जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ, न्यूज़ 18 लगातार देखते रहिए, कोई भी अपडेट होगा फौरन आप तक हर तस्वीर पहुँचाएंगे। छोटा सा ब्रेक।